से जो कठिन काम है कैंपिंग में वो है बर्तन साफ करना। ये देखिए अभी चल रहा है बर्तन सफाई, पूजा भी लगी है सावन में सफाई करने में। और किरण जी रही है? हाँ जी किरण जी, मज़ा आ रहा है सावन सावन से सफाई करने बहुत का? बढ़िया, अपना काम चलिए तो अपना है। चलिए चलिए, आप करिए जल्दी, तब तक हम टेंट को भी वाइंड अप करेंगे। हमारा आज का ये कैंपिंग पूरा हो गया। ये देखिए कहाँ पर हमने लगाया था स्टार्टअप, बहुत ही बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रात को पटन टॉप में रहे थे, तो अभी हम वहाँ से निकले हैं पटन टॉप से। तो रास्ते में हमने एक जगह देखी है, बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया जगह है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर हम एक ब्रेकफास्ट करेंगे, टाइम तो आ गया ब्रेकफास्ट का, तो यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो फिर ब्रेकफास्ट करके हम आगे सनासर की तरफ जाएंगे। सनासर में आज हमारा कैंपिंग है, तो वहाँ पर लंच और बाकी आइटमें रहेंगी और यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ये बढ़िया जगह हमने यहाँ पर देखा। देखिए पूजा जी काम पर लग रही है। यहाँ पर चाय, और चाय में ब्रेड, बटर, पकोड़ा, और साथ में हमने कलाड़ी भी लाई थी, मगर कलाड़ी रात को ख़राब हो गई, तो उसमें कुछ बैड स्मेल आने लगा, तो हमने वो फेंकनी ही पड़ी, उसका वो हो नहीं पाएगा। सिर्फ आप ब्रेड और बटर के साथ हम चाय पियेंगे, और पकौड़े भी है पनीर के, वो भी खाएंगे। तो देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे हम। अभी ये चाय बन रही है। क्यों? कलाड़ी लाई थी, कलाड़ी खानी थी, वो अच्छा, खराब हो गया। और दूसरा यहाँ बंदर है, और ब्रेड लाया अरे है, वो भी बंदर भी डर लग अपना, रहा है। वो भी अपना ही पूर्वज है बंदर, वो तो मैं तो लक्ष्मी हम तो कुमारी पहले की बंदर बहन ही हूँ, तो थे सारे। अब डर है कि कोई मुझे। नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बेस्ट सीनरी है। ये देखिए अभी ये यहाँ तो जब से आए हैं तब से, ये जो आप देख रहे हैं तब से यहाँ पर अभी फॉग है, पूरा जमा हुआ है, पूरा अंधेरा, धूप का तो नामो निशान ही नहीं है। देखिए धूप है नहीं कहीं। ये देखिए अभी ये ब्रेड बन रही है, ब्रेड में पता नहीं क्या कर रही है, बटर बटर डाला हुआ है। अच्छा वेरी गुड, बटर डाला है ब्रेड में, बटर आ गया तो बहुत ही बढ़िया। तो सर को बंद कर दो और ना। ये देखिए ये चाय का रंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, हाँ, ये चाय बन रही और ये बटर अब हो गया। तो अभी हम इसको चाय यहाँ कर नाश्ता करके, पकोड़े तो और भी है, पकोड़े भी खाएंगे। तो नाश्ता करके हम यहाँ से जा रहे हैं। तो आशा है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। आगे जब हम सनासर जाएंगे तो वहाँ कैंपिंग करनी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो बड़े प्यार से हम बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी ब्रेकफास्ट तो हो गया। हाँ जी किरण जी, ब्रेकफास्ट हो गया ना, मज़ा आया? तो अभी हम सनासर की तरफ जा रहे हैं। तो सनासर जो है यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, कैंपिंग का आज देखेंगे जगह है या नहीं, वो भी हम आपको इसमें इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पर कैंपिंग का है कुछ सोर्स है नहीं। तो वैसे वहाँ पर एक आर्टिफिशियल पॉन्ड है, कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर है रखी है जे एंड के टूरिज्म ने। तो वैसे मौसम बढ़िया है, अभी हम आपको दिखाएंगे व्यू, रास्ते का व्यू भी दिखाएंगे। और ये पटनी टॉप से जो है 19 किलोमीटर है, और बीच में नथा टॉप भी आता है, और नथा टॉप जो है वो 13 से 12 किलोमीटर है पटनी टॉप से, फिर वहाँ से 5-6 किलोमीटर नीचे उतराई उतरना है सनासर के लिए। चलिए दिखाते हैं आपको व्यू। अरे बहुत बहुत दिनों से बोल रहे थे नथा टॉप नथा टॉप, अरे आज तो कामयाबी। वो दिखा, वो है ना, वो टावर, ये टावर है नथा टॉप, बस थोड़ा सा रह गया हमारे, यहाँ से 2 किलोमीटर है। ये देखिए यहाँ पर देखो आप, ओहो, ये बादल जो है आसमान से, बा आसमान और जमीन दो सब मिला हुआ, ओहो क्या बात है। ओ वहां से आए हम, ये सड़क जो है यहाँ 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 से आए हम। आप बताइए पूजा जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है वाह आज, वाह, मतलब ना आहा हम हर पटनी टॉप तो बहुत बार आए हैं, बट नथा टॉप ना आज तक डायरी नहीं ले पाए, क्योंकि हो। वही है कि बहुत ही अरे लंबा बचपन है में और आए हैं, मैंने लाया है बहुत ही आपको। ज्यादा यहाँ ट्रैफिक
जी नहीं जाते। अभी तो है, अब ओ, तो ठीक है। अभी तो मजा है यार। ये देखिए, किरण आ जा मेरे इधर, कहाँ रह गई तुम? ये देखिए मेरी किरण भी आ गई है, नथा टाप पहुंचने वाले हैं। ये नथा टाप है, ये देखिए वो है नथा टाप ऊपर वहाँ, ये जो टावर दिख रहा है आपको, यही है नथा टाप। चलिए चलते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर और भी आपको सीनरी दिखाएंगे। चलिए, थोड़ा ऑफ रोड बहुत है नथा टाप से सनासर के लिए, तो जब भी आओगे तो आराम से गाड़ी चलाना, क्योंकि रोड थोड़ा खराब है आगे, इन्हीं जगहों पर थोड़ा रोड खराब है। अभी हम पहुंचने वाले हैं, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो उतराई है, वापसी में चढ़ाई रहेगी। तो अभी हम ये जो सनासर का स्टैंड है, कार स्टैंड, बस स्टैंड, तो यहाँ पर हम पहुंचने वाले हैं। तो आपको वहाँ का हम सीनरी दिखाएंगे जब हम पास पहुंचेंगे। बहुत अच्छी जगह है, कैंपिंग कर सकते हैं या नहीं वो वहाँ पर पता चलेगा, उसके बारे में वहीं पता करेंगे। पार्किंग में यहाँ पर आप गाड़ी रख सकते हैं, पार्किंग बहुत ज़्यादा है। और फिर यहाँ कुछ गेस्ट हाउसेस भी है, कुछ होम स्टेज भी है, और कुछ होटल्स भी है जहाँ पर आप रह सकते हैं। रहने का कुछ नहीं है, रहने का ठीक है, मगर आप कैंपिंग का जो है, कैंपिंग के अगर आप आओगे तो कैंपिंग करना यहाँ पर मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी आपको वहाँ तक जाएगी नहीं। आपके साथ जो सामान होगा, आपको लगभग 600-700 मीटर उतराई तक उसको ले जाना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर फिर कैंपिंग कर सकते हैं। तो कैंपिंग के लिए रास्ते में ही एक जगह है जहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, तो इसलिए हमने भी यही सोचा कि हम यहाँ से अभी निकलेंगे। तो थोड़ा रास्ते में तीन चार किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद एक जगह है जहाँ पर हम कैंपिंग करेंगे और अपना वहाँ पर लंच बनाएंगे। तो मगर यहाँ पर मुश्किल है कैंपिंग करने का, तो इसलिए आप सब उनसे मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि कैंपिंग का ख्याल छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप कैंपिंग करने आते हैं तो आपके पास बहुत सामान रहता है जो आपको फिर अपने हाथों से या घोड़े पर नीचे लगभग 1 किलोमीटर तक लेना पड़ेगा। तो चलिए हम उस कैंपिंग साइट पर भी आपको दिखाएंगे जहाँ हमने फिर वापस जाकर थोड़ा कैंपिंग किया है, जहाँ पर हमने खाना बनाया। चलिए अब मैं आपको व्यू दिखाऊंगा सनासर का। सनासर जब हम पहुंचे तो फिर आपका वो तालाब जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल तालाब है, तो वो वहाँ से पानी कोई ज़मीन के नीचे से नहीं आता है, ये रेन वाटर ही है, इसमें जमा किया हुआ है। तो ये आपको अभी यहाँ का व्यू मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कितना ब्यूटीफुल है, बड़े बड़े देदार के पेड़, और वो देखिए नीचे जाना है, नीचे एक तालाब है, तो वो भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ। बहुत सुंदर है, यहाँ घोड़ों का भी इंतज़ाम है, घोड़े पर जा सकते हैं। ये देखिए, ये है तालाब, वाह 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 क्या बात है। और इसमें बोट रखे हैं, जिस तरह से कश्मीर में डल झील में बोट्स हैं ना, वैसे ही बोट्स यहाँ पर है। और कुछ और भी कुछ एक्टिविटीज़ रखे हैं बच्चों के लिए, तो वो सब आप कर सकते हैं इस तालाब में। और साथ में जो ग्रीनरी आप दिखाई देते हैं, वो पेड़ और वहाँ पर भी आप जाकर बैठ सकते हैं, कैंपिंग भी उस साइड कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं, हम किसी जगह ढूंढेंगे हम कैंपिंग की जगह वापसी पर 2-3 किलोमीटर के बाद, तो वहाँ पर हम अपनी कैंपिंग करेंगे। चलिए, हवा इतनी तेज़ है, टेंट लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो 3-3 बंदे लगे हुए हैं तब भी टेंट को लगा नहीं पा रहे हैं, बहुत तेज़ हवा है, टेंट तो खड़ा ही नहीं रह पाया। तो फिर हमने एक बंदे की मदद ले ली जो आसपास हमारे यहाँ पर था, तो उसकी मदद से टेंट को हमने खड़ा कर दिया, और फिर कील शील्ड लगा कर इसको खड़ा कर दिया। बहुत मुश्किल है यहाँ पर टेंट लगाना, क्योंकि हवा बड़ी तेज़ से आ रही थी, तो 3-3 बंदे लगे थे हम, तो कोशिश तो जारी थी, कोशिश हमने की, लास्टली फाइनली एक बेचारा बंदा, लोकल बंदा आया, तो उसने हमारी मदद कर ली,
और मदद करके हम इस टेंट को लगा पाए। मुझे डांट पड़ रही है, मैं आपके लिए यहाँ अच्छे सा व्यू दिखा रही हूँ और ये मुझे बोल रहे तो कुछ नहीं कर रही है। अभी तक मैंने ही टेंट लगाया, इतनी मेहनत मैंने की। ये देखिए यहाँ का व्यू, इस जगह पर आए हम, ये बस पकड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देखिए आप कहाँ पर हैं हम, बढ़िया जगह है। चलो अब मैं थोड़ा हेल्प कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे मार पड़ जाएगी। आगे का व्यू आपको दिखा देंगे इसके बाद। ये हमारा कमरा है। क्या कर रहे हो डैडी आप? आपने तो टेंट बड़ा सही से कर दिया है सेट। मुझे क्या बता, हाँ बड़ा सही लग रहा है डैडी। हम वहाँ कैंपिंग की जगह नहीं थी, हमें वहाँ पर कैंपिंग करनी थी, तो बड़ा वहाँ बहुत 800 मीटर नीचे जाना था सामान लेके। तो आपको पता ही है जब कैंपिंग करते हैं तो सामान तो बहुत रहता है, तो वहाँ पर मुश्किल था। तो हम उससे सनासर से वापस 3-4 किलोमीटर वापस आए, हमने एक जगह देखी इधर, बहुत ही सुंदर व्यू आप देख रहे हैं, इस व्यू कितना अच्छा है। और हमने यहाँ पर अपना टेंट को अंदर किया। हमारी किरण अंदर बैठी है, देखिए ये चोरी छुपे अंदर बैठी है। तो अभी हम कश्मीरी साग बनाएंगे, कश्मीरी कड़म बोलते हैं इसको। हाँ इसको हम साग कड़म बोलते हैं। ये हम पहले इसलिए हमने यही चुना इस वक्त क्योंकि यहाँ पर हवा जो चल रही है, हवा बहुत तेज़ है, तो मुश्किल है इस हवा में कैंपिंग करना। तो रखिए, ये हो गया हमारा गैस चूल्हा शुरू, और इसमें तेल डलेगा, तेल के बाद वो कड़म डलेगा जो इसको हम साग बोलते हैं, और कुछ हरी मिर्चें इसमें डालने होते हैं, बस इतना ही। और इसमें कुछ मसाला नहीं डलता है, और नमक हरी मिर्च, नमक और थोड़ा सा इसमें हींग डलता है, हींग रसा, और वो हम तो आइए। तो ये साग बनेगा रसे वाला, और उसके बाद इसमें चावल अलग से बनाएंगे, और साग और चावल यहाँ मस्त खाएंगे। धूप बहुत है मगर उतना गर्मी नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, हवा ठंड, हवा की लहर है। तेल में कड़म डाला, पहले हमने इसमें डाला था हींग, उसके बाद अभी कड़म थोड़ा सा फ्राई हो जाए, और उसके बाद इसमें डलेगा थोड़ा सा पानी, नमक और हरी मिर्च, बस ये है इसके इंग्रेडिएंट्स, ये डालेंगे और तब ये हमारा डिश तैयार हो गया। और इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए यहाँ का व्यू, वहाँ पे देखिए अगर दूर में दिख रहा होगा, वहाँ पे भी ना शूटिंग हो रही है, आई थिंक वीडियो बना रही है वो लड़की वहाँ पे, वो भी अपना व्लॉग बना रहे होंगे, नो बट सब अपना अपना यहाँ वीडियो बनाते तो अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि नेचर है यार, व्यू देखो, ब्यूटी देखो यहाँ की। इससे पहले हम गए हैं कितने भी घूमने ये वो, बट उसमें इतना मज़ा नहीं है जो ऐसे में, मतलब इतनी ठंडी में, फिर यहाँ आप टेंट लगाओ एंड देन खाओ बनाओ, बनाने में भी अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है मैं अभी घूम रही हूँ, मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, बट मैंने भी किया सुबह नाश्ता, मैंने ही बनाया, उसके बाद मम्मी लंच कर रही है, वो उनको अच्छा लगा यहाँ पे बनाना। आप कैसा लग रहा है यहाँ पे? ये मज़ा जो है ये भी है, ये तो अलग मज़ा है, ये ऐसा मज़ा कोई उठा सकता है नहीं। तो घर में कैद है, घर में कैद हो के बैठते हैं हम, दिल्ली में आपको पता ही है, दिल्ली में रहते हैं हम, तो दिल्ली में कमरे में 24 घंटे, उसमें 6 घंटे सोना और बाकी 18 घंटे, क्या करें यार। हमने सोचा चलो यार लाइफ जीते हैं, तो हमने ये दिमाग में आया, और हमारा एक दोस्त है यूट्यूबर कपिल जी बोलते हैं उनको, तो उनको देखकर यूट्यूब पर हमें और भी जोश आ गया। तो उनका जो यूट्यूब चैनल है गुमक्कड़ बग्स है, तो उस गुमक्कड़ बग्स का चैनल देख के हमें में जोश आया, और इतना जोश आया कि वो तो सक्सेसफुल यूट्यूबर है, तो वो हमारे साथ अभी कैंपिंग करेंगे नेक्स्ट मंथ में। तो उन्होंने हमको इनवाइट किया है, हम नेक्स्ट मंथ वहाँ एक साथ कैंपिंग करेंगे, तो वो हम बताएंगे आपको कहाँ जाना है, कैसे क्या है, मगर अभी यहाँ पर बहुत ही मज़ा, बहुत ही आनंद आ रहा है।
तो आशा करते हैं कि आगे वीडियोस आपको भी और दिखाएंगे। अभी खाना बन रहा है, पूजा जी ये मेडिटेट कर रही है, ये देखो, वाह 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 वाह, ये पूरा शांत वातावरण है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से ये देखिए, वाह वाह वाह, क्या क्या मौसम है। और ये हमारी किरण जी है, किरण सब्जी कहाँ पहुंची, भूख लगी हमें, जल्दी हो जाएगी। जल्दी, गर्मी मत लग रही है अंदर। चलिए तो ये हमारा सब्जी तैयार होने वाली है, इसके बाद चावल बनेगा, और जब चावल हम लगाएंगे तो तैयार होगा, तो उसके बाद आपको दिखाएंगे क्या कैसे है। तो तब तक के लिए थैंक यू। खाना तैयार हो गया, तो खाना हम बैठे खाने के लिए, तो खाना खाने के बाद हम यहाँ से माइंड अप करेंगे और सीधे हम जम्मू के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर हाक साग खाने का और चावल खाने का, बहुत मज़ा, ये सीनरी में, ओ हो, क्या बात है। ये देखिए हमारी किरण भी खाना खा रहे हैं, इसके साथ ये थोड़ा सा चावल लिया है और थोड़ा हाक साग लिया है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगले महीने हमारा एक और कैंपिंग स्लॉट है, वो हमको बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के साथ, यूट्यूबर्स जो ब्लॉगर्स है, बड़ा मज़ा आया उनके साथ करना है। अभी जगह का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने मना किया है, तो हमारा कैंपिंग उनके साथ रहेगा, सिर्फ हम नहीं रहेंगे, बहुत से एक साथ जुटे हुए हैं, तो वो सारे एक साथ रहेंगे, पूरा 30-40 का ग्रुप है। हमारा वीडियो और भी अच्छा बनेगा, तो तब तक के लिए देखिए आप, शबा खैर, नमस्कार। और अब कैसा हो गया, इसी मौसम के साथ आपको हम यहाँ से विदा करते हैं, आपको कर अलविदा करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय करते हैं। और आज का वीडियो पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।